बीच में आप ऐसे लोग कुछ हैं जो देखने में तो साधारणतया लगते हैं, लेकिन दोस्तों कि हम सब खुश नसीब हैं जो हम सब आप सबके बीच में हैं। बहुत से लोग दूर से तरसते हैं उनके दर्शन के लिए। बचपन में अपने भाई के द्वारा ही मुझे ज्ञात हुआ कि जब ये देश आजाद हो रहा था, मेरे पूर्वजों को एक अवसर मिला था, क्योंकि पहले जमीनें होती थी राजाओं के पास। जब ये देश आजाद हुआ तो उन राजाओं से उन जमीनों को छीना गया, तो उन्होंने कुछ अपने शुभचिंतकों जो उनके कनेक्टिविटी में थे उनको अवसर दिया कि जितनी जमीन चाहिए लिखवा लीजिए, लेकिन लोगों ने नहीं लिखवाया। मेरे भी परिवार को वो अवसर मिला था, आज मैं जमींदार होता, लेकिन उस अवसर को गंवा दिया उन्होंने। मैं उन पूर्वजों के लिए यही कहता हूं कितने बेवकूफ थे, और आज वो अवसर मेरे पास आया, क्योंकि कुछ जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, 2010 में कुछ लोगों के पास वो अवसर आया था। क्वाइन की बात कहीं भी चलती है तो BTC की बात सबसे पहले आ जाती है, क्योंकि बिटकॉइन ही उस क्वाइनों का राजा कह लीजिए। वही बता रहे हैं कि सर लोगों के पास आया था, लेकिन लोगों ने उसको ध्यान न देने का कारण है कि सर ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी कि ये ऐसा चमत्कार कर जाएगा। जिसके पास एक BTC अगर वो है, आज एक BTC जो कभी 1 रुपए 30 पैसे 40 पैसे मतलब 10 पैसे से, मतलब शुरुआत किसी की चीज की होगी जीरो से ही होती, तो 10, 20 पैसे, 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए लोगों ने आगे चल के 1000 में खरीदा, लेकिन 70,000 में बेच दिया। मुझे ऐसे लोगों से मुलाकात हो चुकी है कि 1000 का जब एक क्वाइन था तो उन्होंने 5 क्वाइन खरीद ली, 5,000 रुपए लगाए, जब 70,000 उसका रेट गया तो 3.5 लाख, 5,000 की वैल्यू कितनी हो गई, 3.5 लाख, तब उन्होंने बेच दिया उसको। अगर उस समय भी वो ना बेचे होते, आज की डेट का रेट जो है वो 37 लाख, अभी 10 दिन पहले इसका रेट 44 लाख तक गया। अब सोचिए अगर उसके पास 5 क्वाइन होते और 1 क्वाइन का रेट 44 लाख, तो आप सोचिए वो करोड़पति तो बन गए। लेकिन धैर्य नहीं है। आज जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, अगर वो आज 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए कितने का भी है, जब ये 10 रुपए में जाएगा तो हम तभी सेल कर लेंगे, धैर्य नहीं है हमारे पास। जबकि इस संस्थान के द्वारा और पुरानी एक्टिविटीज के द्वारा मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके माध्यम से हमें इसको जितना से ज्यादा कलेक्शन हो सके। भाई उस समय जब बिटकॉइन जब 1 रुपए का रहा होगा, 10 रुपए का रहा होगा, तो किसी ने क्या कहा होगा कि मुझे 1 दे दीजिए, 10 रुपए ले लीजिए। भाई 100 रुपया तो कम से कम लगाए, अगर 10 रुपया के रेट में भी लिया तो उसके पास 10 क्वाइन तो है कि। और 2010 से 2021 कितने साल हुए, मात्र 10 वर्ष, अभी 3 महीने हुए। 10 वर्ष में आपके 100 रुपए की कीमत, अगर 10 क्वाइन आपके पास है तो 4,44,00,000 है, 4,40,00,000 के आसपास है कि नहीं, आपके 100 रुपए की कीमत 4 करोड़, इतना कहां से आप अर्न कर सकते हैं। और फिर जिस टेक्नोलॉजी की आज हम बात करने आए हैं सर, इसके अंदर एक अतिरिक्त टेक्नोलॉजी उसमें जुड़ी हुई है, और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है अगर हमारे पास हुनर है तो हम कहीं भी जाके कमा सकते हैं, खा सकते हैं। भाई मेरे माता पिता अनपढ़ थे, उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा दिया, सबसे बड़ा धन उन्होंने दे दिया, बाकी उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। आज मैं जहां भी रहूंगा वो एक ज्ञान मेरे पास है, तो उन्हीं सबको शेयर करने के लिए आज मैं अपने बीच जिनकी भी चर्चा कर रहा था कि जिनकी टीम आज महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है, बिहार में है, और उन लोगों ने उनको कभी देखी थी ऑनलाइन के जरिए ही। अब फोन लोगों के पास है,
199 रुपए, 555 रुपए है, इतने का रिचार्ज करा लेते हो, क्या देखते हो फेसबुक यूट्यूब पे अपना पूरा समय गुजार देते हो। और जबकि ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ मिस्टर बलराम तिवारी जी को या पाए और हम सबको उस टेक्नोलॉजी से अवगत कराएं। मिस्टर बलराम तिवारी साथियों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कहते हैं नाम बताया जाता है तो पहचान बुरा मान जाती है। कहीं भी जाइए आपको अपना नाम बताने की जरूरत ना पड़े, आपके एक सत्ता और आपके एक प्रभुता हो, एक पहचान हो, एक खुशबू हो, एक महक हो, एक जलवा हो, तभी तो हम बाकी लोगों से अलग हैं। चुनाव दोस्तों हमारा होता है कि हम भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं, भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं। चॉइस इज आर्स। तो जैसा कि सीएल सर ने बताया यहाँ पर कि एक टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करने आए हैं, तो क्या हमारा शरीर जो बना हुआ है ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है? इससे बड़ी टेक्नोलॉजी दुनिया में है क्या? इससे सुपर पावर टेक्नोलॉजी है क्या? हम आप क्या करते हैं, थाली से भोजन उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। होता है कि नहीं होता है, ए टू जे। तो क्यों ना हम सबसे पहले इसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर की बात कर लें और सॉफ्टवेयर की बात कर लें, क्योंकि अगर हम जो आज हमारे पास है इसको समझ जाएंगे तो बाहर की टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक यूं करके समझ में हमारी आ जाएगी। हमारा आपका गोल क्या है, हम क्या पाना चाह रहे हैं जीवन में? साथियों जीवन में कुछ बने या ना बने, पैसा रुपया आए या ना आए, लेकिन आप एक अच्छे इंसान अवश्य बन जाएं। और एक अच्छे इंसान के पास किसी चीज की कमी नहीं होती है, एक अच्छे इंसान के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तो आइए कुछ ऐसे चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं जिसको जानने और समझने के बाद ना केवल अपना भविष्य बेहतर होगा बल्कि अपने आने वाले बच्चों का भविष्य भी हम लोग बेहतर कर पाएंगे। आज हम लोग जिस मंच पर खड़े होकर बात कर रहे हैं ट्रिपल एम प्रिज्म, ट्रिपल एम प्रिज्म क्या है, कैसे काम करता है, इस पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले इसके योग्य बनना होगा। अगर हमको राजकुमारी चाहिए तो अपने को राजकुमार बनने का, ऐसा नहीं कि गांव में बैठ करके मूवी देख रहे दिन चले हीरोइन पसंद आ गई तो ठान लिया मेरे को वो चाहिए। आप वो अगर अपने को चाहिए तो अपने को वो चीजें डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि मैंने संदर्भ दे दिया है फिल्मी दुनिया का, तो मैं आपको बता दूं कि फिल्मी दुनिया से आज का नवयुवक इतना प्रभावित है कि वो ऐसा ही कॉपी कर लेता है, सारी चीजें कॉपी कर लेता है, केवल स्टेटस कॉपी नहीं करता है। हीरो का हीरो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, हीरो किसी बड़े बिजनेसमैन का लड़का होता है, गरीब घर का होता है, लेकिन वो मेहनत करता है, कुछ मुकाम हासिल करता है, उसकी कॉपी नहीं करता। हेयर स्टाइल कॉपी कर लेगा, ड्रेसेस कॉपी कर लेगा, फिजूल खर्ची कॉपी कर लेगा। सो चॉइस इज आर्स, हमारा चुनाव होता है कि हम कहां से क्या निकालते हैं। तो अगर आप बुराइयों की कॉपी कर रहे हैं तो अच्छाइयों की भी कॉपी आप यहां पर करें। साथियों हम आप सभी लोग सुबह उठते हैं, आंख खोलते हैं और अपने दैनिक जीवन में लग जाते हैं, क्यों? दुनिया का हर एक इंसान सुबह उठता है, उठ करके घर के बाहर निकलता है, क्यों निकलता है? उसको क्या चाहिए? पैसा, रुपया, धन चाहिए उसको, बट फॉर व्हाट, किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए पैसा, किस लिए चाहिए? इसका जो आंसर होता है वही आपके जीवन को निर्धारित कर देता है। आपको पैसा तो चाहिए बट व्हाई, क्यों चाहिए आपको, किस लिए आप पैसा लेने जा रहे हो? व्हाट डू वांट मनी, आपको पैसा किस लिए चाहिए? तो दोस्तों दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं, आप खोलते हैं, ठीक है। इनसे ना आप देख लीजिए कि दुनिया में 95% लोग ऐसे होते हैं, 95% पीपल होते हैं जिनको पैसा तो चाहिए होता है, लेकिन पैसा किस लिए चाहिए होता है? अपनी जीविका को चलाने के लिए, लिवलीहुड के लिए, या फिर हम ये बोलते हैं इनको पैसा चाहिए इनकी जरूरतें और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, नीड एंड वांट्स के लिए। यस और नो? नीड और वांट्स के लिए लोगों 95% लोग आपको मिलेंगे जो सुबह उठेंगे, उठकर के बाहर निकलेंगे पैसे को क्या करने के लिए, अपनी जरूरतों को
पूरा करने के लिए ये लोग पैसे को क्या करते हैं दोस्तों, आर्मी करते हैं, राइट। और इनकी जरूरतें पूरी होती कि नहीं होती है, होती है, चाहे जैसे करें। दुनिया के हर इंसान की जरूरतें आवश्यकताएं पूरी होती है चाहे वो कुछ भी करे, उधार लेके करे, चोरी करके करे, कुछ भी करे। बिना खाए हुए तो लोग नहीं रह सकते, यस और नो, सारी चीजें होती है। सो हमको पैसा तो चाहिए, पर पैसा किस लिए चाहिए? 95% लोगों को पैसा चाहिए उनकी जरूरतें और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। वही दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, देयर आर 5% पीपल इन द वर्ल्ड, 5% लोग आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे जिनको पैसा तो चाहिए बट इनको पैसा चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ड्रीम्स, ये लोग एक सपना देखते हैं, सीइंग द अनसीन, उस चीज को देखना जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सपने का मतलब क्या होता है? अगर आप ये सपना देख रहे हो कि मेरे पास चार पहिया की गाड़ी हो, हमारे पास ही हो, तो वो सपना नहीं है। हेलो, अगर आप उस चीज को देख रहे हो जो दुनिया में मौजूद है तो वो ड्रीम नहीं है, वो तो किसी ने पूरा कर दिया। ड्रीम तो वो हो गया ना कि जो अनसीन है, दिखा नहीं। आप जब सब देखते हो ड्रीम, सुबह उठते हो तो वो चीज रहती है क्या दुनिया में? नहीं ना। लेकिन आप कुछ ऐसा देखते हो तो ड्रीम का मतलब क्या होता है? लुकिंग द अनसीन, उस चीज को देखना जो अभी दिखाई नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी चीज बनने से पहले आपके जेहन में बनती है, दिमाग में बनती है, उसके बाद वो हकीकत में आती है। चाहे वो बालक बच्चे हो, पैदा बाद में होते हैं, पति पत्नी पहले उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, हंसी मजाक करते हैं, प्लानिंग करते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं, जो भी नेचुरल लॉ है, यस और नो। उसके बाद एक बच्चे का प्रादुर्भाव होता है, वो जन्म लेता है और दुनिया में आता है। So 5% people are there, those who want money for the dream. अपने सपनों के लिए इनको पैसा चाहिए। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में लोगों के सपने अवश्य पूरे होते हैं जिन्होंने पूरा करना चाहा है। आप डिसीजन जो यहां से ले लेते हैं कि हमको पैसा किस लिए चाहिए, हमें जरूरतों के लिए हमें पैसा चाहिए या हमें हमारे सपनों के लिए पैसा चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जिन लोगों को पैसा चाहिए होता है अपनी जरूरतों आवश्यकताओं के लिए, वो पैसा कमाते हैं, यानी या तो नौकरी कर लेंगे विभिन्न रूपों में और पैसा कमाएंगे। लेकिन जिनको सपने पूरे करने होते हैं दोस्त, दे जस्ट मेक मनी, ये पैसा बनाते हैं। क्या करते हैं? ये पैसा बनाते हैं। इनको पता होता है कि पैसे का साइंस क्या है। हम आप लोग रुपया पैसा यूज करते हैं, बट क्या कभी हमने इस चीज पर क्वेश्चन किया कि भाई जो हमारे पास आ रहा है कागज का नोट, इसकी वैल्यू इतनी क्यों है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसको किसने बनाया? इसको गवर्न कौन कर रहा है? और ये सबसे बड़ा जाल है, जो आपकी फिएट करेंसी है, चाहे वो डॉलर की बात कर लो, चाहे रुपए की बात कर लो, कागज के टुकड़े के अलावा ये कुछ नहीं है। रियली मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप गूगल करिए, और अगर आपको इंग्लिश आती है जो हिंदी में भी कन्वर्ट करके आप पढ़ सकते हैं। कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं, ये एक जाल है जिसमें पूरी दुनिया को फंसाया गया है। तभी तो आम आदमी बना हुआ है और खास आदमी बनता चला जा रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो हमने क्या करना है? मेक मनी, राइट। हम पैसा बनाते हैं। यहां पर क्या है? पैसा बनाने का इनको साइंस पता होता है, राइट। तो मनी 95% लोग होते हैं जो अपनी जरूरतों के लिए पैसा चाहिए, लेकिन 5% लोग होते हैं जो पैसा अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं और ये पैसा बनाते हैं। और पैसा बनता कहां पे? नौकरी करके पैसा बनेगा क्या? नहीं, पैसा बनता है बिजनेस से। अब बिजनेस का मतलब क्या हो गया? कम में खरीदो और महंगा बेचो। बिजनेस का मतलब होता है वैल्यू देकर वैल्यू लेना, विन-विन सिचुएशन, दोनों पार्टी संतुष्ट। वैल्यू देना यानी कि जो लोगों की नीड है, मार्केट में किसी चीज की मांग है, उसकी आवश्यकता है, उस चीज को देना ताकि वो हाथ फैला कर ले, कह रहे इसी चीज तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे ये चाहिए भाई। और कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, कौन सा लोग मांगेंगे? जिसकी यानी आग बुझाने वाली मशीन। आप बहुत सारे लोगों को दिखाओगे वो तो नहीं लोग लेंगे, लेकिन जिसका दो बार जल चुका है उसको दोगे जाके तो तुरंत लेगा, जबकि उसका जल चुका है दो बार, राइट। उसको उस चीज का एक्सपीरियंस है। सो कहते हैं कि सफलता पाने के लिए बहुत बड़ा काम करना होता है, बिल्कुल गलत। सफलता पाना बच्चों का खेल है, बस केवल आपको बच्चा बनना होता है।
बच्चा ज्यादा सोचता नहीं किसी काम को करने के लिए, मन में आया तुरंत एक्शन, तुरंत एक्शन लेता है वो। और जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। कौन सा दिमाग लगाते हैं? वही कॉपी पेस्ट वाला। आप मेरे से पूछो, किसी से पूछो, भाई तुम्हारा नाम क्या है, बोलेगे मेरा नाम राम कुमार है। क्यों भैया? ऊपर से सर्टिफिकेट का राम कुमार का लेके आए थे क्या? नाम पेरेंट्स ने दिया, सोच समाज ने दिया, आपका ये जो सॉफ्टवेयर है उसका इंस्टॉलेशन तो उस समाज ने दिया है जो नौकरी कर रहा है, जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जो किसी ना किसी तरीके से चीजों को कर रहा है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि बाज और मुर्गी, मुर्गी के बच्चे वाली, के जो है बाज का बच्चा होता है गलती से मुर्गी के दरबे में चला जाता है, धीरे धीरे वहीं पलता बढ़ता है और बड़ा हुआ तो बाहर निकला, देखा कि मेरे जैसे शक्ल सूरत वाले लोग आसमान में उड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं उड़ सकता हूँ। सीधे गए अपने साथी मुर्गी के पास, पूछा कि भाई ये बताओ, ये लोग तो मेरे जैसे दिख रहे हैं, ये ऊपर उड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो उसके साथी मुर्गी ने कहा, क्योंकि तुम मुर्गी हो। वो था बाज, लेकिन उसको क्या बोला? क्योंकि तुम मुर्गी हो, तुम नहीं उड़ सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और मजे की बात क्या कि वो लोग बहुत सारा कहावत जोड़ी रखे रहते हैं, उतने पैर फैलाओ बच्चा जितना बड़ा हो, नहीं पाँव फाटी जाए। हाँ, और क्या क्या बोल देंगे कि बाप न मारिस पढ़ की बटवा। हाँ, वो अपना जुमला भी लिखे रहेंगे, वो अपना जुमला भी लिखे रहेंगे। वही सॉफ्टवेयर लेकर के आप जा रहे हो तो आप कैसे सब अपने सपने पूरा कर सकते हो? आपको ठुकराना होगा, उसको डीएक्टिवेट करना होगा, उसको तोड़ना होगा, बट इतना आसान नहीं है वो सोच तोड़ना। उतना आसान नहीं है वो सोच तोड़ना, क्योंकि सोच तोड़ने के लिए आपको अपना घर परिवार छोड़ना पड़ सकता है, आपको उस माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप उस माहौल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप अपने आप को डेवलपमेंट नहीं करेंगे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए चेतराम के लिए। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि चेतराम एक ब्रांड है, आज के समय एक ब्रांड है, एक नाम है, राजधानी शहर का टॉप लेवल का जो भी लीडर है अगर उसको उसके सामने आप चेतराम का नाम ले लो तो बड़े सम्मान के साथ बोलेगा सर चेतराम का नाम लेता हूँ। तो क्या आज ये ब्रांड बन पाते? आज ये ब्रांड है। राजधानी शहर में एक फ्लैट लेकर के 6-7 हजार रुपए महीने का किराया दे करके शानदार तरीके से एक अच्छी लाइफ को जीना एक चैलेंज होता है, लेकिन इस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं जीना वैसा जीवन। अगर हम वही काम कर रहे हैं जो हमारे भाई लोग कर चुके हैं तो हम वही कर पाएंगे जो हमारे भाई लोग पाए हुए हैं। जीवन की हकीकत दोस्तों बहुत कड़वी होती है, पर हम उससे मुंह चुराते हैं। हकीकत क्या है आज हमारे जीवन की? अगर करवा चौथ का त्यौहार आ जाता है, इमरान सिंह आपका बच्चा हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा है, अभी वो इंजीनियर तो नहीं है, लेकिन क्या आप सपने देख सकते हैं उसके लिए कि हमको उसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है? लुकिंग फॉर द अनसीन, उसको देखना जो भी है नहीं। क्या आप सपने देख सकते हैं एक बार भी? ठीक है, जो मेरी वाइफ है मेरे साथ में है, मैं इसको लेकर के किसी अच्छे होटल में लेकर के जाऊं, बढ़िया से होटल में अपने क्षेत्र के, वहां पर दोनों लोग सामने बैठे, राइट, मोमबत्ती लाइट हो या जो भी हो, जो अपने सपने देखे, प्रेमिका प्रेमी है, प्रेम है तो प्रेम दर्शाया जाए, जाकर के बैठे, बढ़िया सा ऑर्डर करें, अच्छे से खाना खा के आए। क्या आपका ड्रीम, ऐसा ड्रीम आप देख सकते हो कि हम मम्मी पापा को भी लेकर के लखनऊ ले जाए, पार्क वगैरह घुमा करके ले आए? कितना सुकून मिलेगा आपके पेरेंट्स को, कितना गर्व फील करेंगे वो? आप तो भले ही जाके कहीं कहीं घूम आते हैं, लेकिन क्या आप वो ड्रीम देख सकते हैं जो चाहिए? क्या हम अपने खुद के लिए कुछ ड्रीम नहीं देख सकते हैं? क्या हम वैसा ही जीवन जी करके जाना चाह रहे हैं जैसा आम लोग जी करके चले हो गए कि पैदा होना फिर मर जाना, दुनिया का है ढंग पुराना, जीना तो बस उसी का है जो काम और के आता है। और काम और के कौन आएगा? जब आप में कोई खूबियां होंगी, कुछ चीजें होंगी, जब आप पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल मारोगे, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, इसके लिए आपको अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना पड़ेगा जो वास्तव में ऐसी सोच वाले हैं। बाज के साथ रहोगे तो आप बाज बन जाओगे। अभी एलन मस्क की मैंने कल एक कोट सुना था, कोटेशन सुना था, एलन मस्क टेस्ला के जो फाउंडर है, राइट, और उन्होंने उसमें सेइंग में लिखा हुआ था कि अगर आप चार ऐसे आदमी के साथ रह रहे हो जो विजनरी हैं, ड्रीमर हैं और जिनका जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो पांचवे आप बनने जा रहे हो।
तो दोस्तों यही बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि पैसा तो हमको जीवन में चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए? क्या हमें जरूरत पूरा करने के लिए चाहिए, सपने पूरा करने के लिए चाहिए? जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं, सपने भी पूरे हो जाते हैं, चुनाव आपका है। क्योंकि रामायण में भी कहा गया है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी, और कहा गया है कि जापर जाकर परम स्नेह मिले सुतासु न कछु संदेह। यानी जिसका जिसके ऊपर परम स्नेह होता है, क्या बोलते ना, फोकस कॉन्सेंट्रेशन एका। मैं चाहूंगा सर जरा सा कैमरा उधर घुमा दीजिए आप मोबाइल का। देखिए एक नोट लगाओ, उसमें कुछ लिखा हुआ है। कुछ लिखा हुआ है, वन सी आर का मतलब क्या होता है? वन करोड़। यानी इस महीने का अपन लोगों का टारगेट है, हम लोग मतलब चैत्राम सर इस महीने 1 करोड़ का माल आदमी बनने वाले हैं। हमारे जो भी लीडर टेन मैनेजर हैं, उनको मैंने उनके लिए सिस्टम बना कर तैयार कर दिया है कि वो 1 करोड़ इस महीने के अंदर अंदर उनके पास आ जाएगा। मैंने क्या देखा जो दिख नहीं रहा है, तो हमारा परम स्नेह है इस पर, उसके लिए हम मीटिंग करेंगे, उसके लिए हम प्लान करेंगे, उसके लिए हम ऑनलाइन सेशन करेंगे। वैसे तो साथियों मेरा जितना भी कार्य सारा ऑनलाइन है, मैं ऑफलाइन काम अब करने उतरा हूँ लोगों के साथ, क्योंकि हमें मोहब्बत है अपने लोगों से जो आए हैं इनके साथ काम करना। अगर मैं बोल दूँ कि नहीं आप चलिए आप जूम मीटिंग करा देते हैं, जूम मीटिंग पर कर लीजिए, तो भी पॉसिबल है, पर फेस टू फेस एक बात ही अलग होती है। वहाँ कुछ और आप देख रहे होते हैं और यहाँ पर आप वो देख रहे होते जो मैं दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है जूम मीटिंग में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, वहां पे केवल प्लान और प्लानिंग हो जाता, बिजनेस प्लान बताते हैं, दैट्स ऑल, राइट। तो दोस्तों और साथियों मैं चाहता हूं कि आप पहले डिसाइड करो कि आपको पैसा किस लिए चाहिए। हमारे एक लीडर जो है एक दिन हमको मिले, बहुत अच्छे लीडर, वो मुझे बड़ा दुख हुआ, वो काम कर रहे हैं जानवरों के जैसा काम कर रहे हैं। भाई मेरे सुबह उठना, कायदे का नाश्ता भी ना लेना, सिर्फ सारा दिन भाग जाना, बाइक घुमाना, ठीक है ये खा लो भैया इसमें बड़ी ताकत होती है इसको ले लो इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आलिम बन है ये वो करके प्रोडक्ट बेच रहे हैं कर रहे हैं, और शाम को आ रहे हैं हरे थके खुद, उनके लिए उनका प्रोडक्ट खुद उनको एनर्जी नहीं दे पा रहा है, राइट। सारा दिन काम करते जानवरों के जैसा, और मेरे से बोले कि बलराम सर यार बस उतना ही चाहिए जितने से काम चल रहा है। जाकी रही भावना जैसी तो मुहूर्त दिन देखी तैसी, समझिएगा बात, मतलब साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। जब आपने यही सोच लिया, यही मांग लिया, आपका परम स्नेह वही हो गया, तो उतना ही तो मिलेगा आपको। आप दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लो माय डियर फ्रेंड्स, आप कुरान उठा लो, आप हदीस उठा लो, मैंने पढ़ा है, राइट। क्योंकि मैं मानवता को मानता हूं, मैं कास्ट सीजन को नहीं मानता, मैं मानवता को मानता हूं, राइट। वहां पर लिखा है मांगो मिलेगा, मांगो मिलेगा। तो कंफ्यूजन दोगे गॉड को तो वही तो करेगा, गॉड क्या बोलता है, मांगो मिलेगा। आप क्या मांगो उसको पहले एग्जैक्ट दो। अगर मैंने यहां पर डिसाइड किया कि इस मतलब ये जो 30 तारीख आएगी तब तक 1 करोड़ अपने को चाहिए, तो मैंने तो सही लिख दिया ना, ये मुझे चाहिए तो मुझे मिलेगा। इवन 50% अचीव भी कर चुके हैं हम लोग, राइट। लेकिन जब आप सामने वाले को कंफ्यूजन में रखोगे तो आपको वही रिजल्ट आएगा। आप रेलवे स्टेशन पे जाए या फिर सीधे बस स्टॉप पे जाए, ऑटो वाले को हाथ दे बैठ जाए, उससे बोलो चलो ले चलो, वहां कहां ले चले भाई, अरे तुम ले चलो, गाड़ी तो चला ही रहे हो, ले चलो कहीं ले चलो, अरे कहीं क्या होता है, एग्जैक्ट दीजिए। तो जब एक ऑटो वाला एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाता तो भगवान कैसे क्लियर हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सबसे पहले पेन पेपर उठाइएगा आज घर जा करके, और जाने के बाद अपने सपनों को लिखिएगा, एग्जैक्ट लिखिएगा कि इस डेट को इस दिन मुझे ये चाहिए। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना, मिल के ना होंगे जुदा आप कसम खाए। मतलब डेडिकेशन होना चाहिए आपने, एक जलवा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए जिंदगी जीने में। अगर कुछ बहुत दौड़ धूप के थोड़ा थोड़ा काम करके तो जानवर भी पेट भर लेते हैं, बट वी आर ह्यूमन बींग। ऊपर वाले ने अपन को बहुत सारी शक्तियों से नवाजा है, अपन के अंदर जहन में बहुत सारी सोचने की क्षमता दी है, इस क्षमता का अपने को क्या करना है, उजागर करना है। विश्वास मानिए दोस्त, ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं करता हूं, मैं अगर पर्सनल अपनी भी बात कर लूं तो मेरे जैसा लड़का ऊंचा क्षेत्र से निकल करके अगर इंडिया में अपना परचम करवा सकता है,
राइट क्यों सर, कल जूम मीटिंग थी इंडिया लेवल पे, जूम मीटिंग थी वहां पर मेरा, मुझे बुलाया गया और बुला करके मेरा उदाहरण दिया गया, तो आप लोग भी कर सकते हैं बशर्ते आपको यहां से यहां आदि से चैन से यह हटाना होगा कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा बनाना है। और पैसा बनाना आज के समय में भाई साहब बच्चों का खेल है, यूं बनता है पैसा, बस जानकारी होनी चाहिए। राइट क्यों सर, एक मिनट में कितने डॉलर बने थे? 200-150 के आसपास, 150 डॉलर, और एक डॉलर की कीमत 70 रुपए में जोड़ लो, एक मिनट में इतना पैसा बनता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके साथी लोग बोल रहे हैं। टेक्नोलॉजी, बदलती हुई दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो आदमी बदलती हुई दुनिया के साथ बदलता है वही इतिहास रचता है, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, ट्रेंड। क्या बोलते हैं? ट्रेंड। हर चीज का एक समय होता है, एक दौर होता है, एक जमाना होता है। जैसे बाबा जी वगैरह कहते हैं कि भैया हमारा एक जमाना था, एक समय था, आवाज सांस यहां लेते थे तो आवाज बनाने के बर्तन बने करते थे, बहुत पहले मिट्टी के बर्तन। और उस समय जो लोग मिट्टी का व्यवसाय किया करते थे वो लोग अमीर हुए उस जमाने, उस दौर के हिसाब से। समय का चक्र घुमा, पहिया घुमा, धीरे धीरे आपका लोहे का समय आया। लोहे के बिजनेस में जिसने ज्ञान अर्जित किया, धन लगाया, वो अमीर हुए, मतलब बहुत पैसा कमाया। उसके बाद फिर समय बदला, स्टील का समय आया, फिर समय बदला, प्लास्टिक ने आया तो सबको धो के रख दिया एकदम से। प्लास्टिक का जमाना आया तो प्लास्टिक के बिजनेस में जिन्होंने धन लगाया, ध्यान लगाया, मन लगाया, उन लोगों ने पैसा बनाया। दौर आगे बढ़ा, कंप्यूटर का जमाना आया। क्यों कंप्यूटर बोला? क्योंकि नॉर्मल आदमी जो भी देहात में हम लोग थे, हम लोग कंप्यूटर नहीं बोल सकते थे उस समय। हमारा जो बोलचाल की शैली थी वो देहाती टंग का प्रभाव होता था, तो वैसे ही बोलते थे। क्या हुआ जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा, अरे ये तो दुनिया बर्बाद करने आया है, हम बेरोजगार हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप किसी डिग्री कॉलेज चौराहे पर कुछ लोग पेट्रोल डालकर, मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिए, जल गए कि कंप्यूटर नहीं आने देंगे। राजीव गांधी लेकर के आए थे कंप्यूटर को इंडिया के अंदर। कंप्यूटर के जमाने में दुनिया का सबसे अमीर आदमी में अगर नाम आता है, बिल गेट्स का नाम आता था, ऊपर नीचे हो रहे तो बिल गेट्स का नाम क्यों आया? क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर पर काम किया, उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उस लेटेस्ट ट्रेंड पे काम किया, दौर पे लग करके उन्होंने काम किया। राइट, कंप्यूटर के ट्रेंड के बाद फिर कौन सा ट्रेंड आया? मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो जिन्होंने मोबाइल में अपडेट किया, नोकिया ना किया, हालत खराब हो गई नोकिया की, नहीं हो गई, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया समय के साथ। टाइटन जो घड़ी आती थी, घड़ी उन्होंने अपने को इम्प्रूव नहीं किया, वो खत्म हो गए मार्केट से। स्कूटर, जो स्कूटर पहले आती थी, वेस्पा, कौन कौन, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, खत्म हो गए मार्केट से। अगर आपको मार्केट में खड़े रहना है, अपना सिक्का जमाना है, तो आपको टाइम टाइम पर अपडेट करना होगा। आप एक व्हाट्सएप अगर चलाते हैं, व्हाट्सएप को भी, उस ऐप को भी आप अपडेट करते ही करते हफ्ते 15 दिन में उसका अपडेट आता है, सुनो। तो एक ऐप नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कैसे चलेगी बिना अपडेशन के? इसको तो अपडेट मारना ही पड़ेगा, इसको तो पुरानी सोच को ब्रेक करके नई सोच को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो लेटेस्ट ट्रेंड जो टेक्नोलॉजी है सर, आज का जो जमाना है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको शॉर्ट में बोला जाता है IoT। क्या बोला जाता है? IoT। इंटरनेट के इस जमाने में इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, लॉट्स ऑफ थिंग्स, सारी सारी इसी के अंदर आ जाती है, सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो दोस्तों अगर मैं ट्रेंड में चलूं, इस पर हम चर्चा करेंगे, पैसे की अगर मैं बात करूं तो पैसे की डेफिनेशन क्या होती है आपके हिसाब से? पैसा क्या है? राइट, व्हाट इज मनी? पैसे की डेफिनेशन क्या, इसके हम क्या परिभाषा देंगे? पैसा वो चीज है जो दो पार्टी के समझौते से उसी वैल्यू को पूरा करता है, जिसके लिए दो पार्टी अग्री हो जाए। राइट, फॉर एग्जांपल मैं सीएन सर के पास जाऊं और मैं सीएन सर से बोलूं कि सर ये बॉटल मुझे दे दीजिए, ये चौक मैं आपको दे देता हूं, और सीएन जी बोले हाँ सर दे दीजिए मुझे, मतलब सीएनजी को इसमें वैल्यू दिख रही, तो ये पैसा हो गया सीएनजी के लिए,
यस और नो? यस। जिसको दो पार्टी एक्सेप्ट करें वही क्या हो गया? पैसा हो गया। सबसे पहले शुरू में पैसे की जगह क्या इस्तेमाल होता था? जो लेन देन का मतलब बार्टर सिस्टम चलता था। सबसे पहले नमक आया आपका, क्या आया? नमक। नमक पे सत्याग्रह चला था आजादी के टाइम पे। नमक बहुत महंगा होता था उस टाइम पे, बहुत मतलब बहुत महंगा होता था। आप नेट पे जाकर के इसको चेक करिएगा, जानिएगा, बहुत महंगा होता था नमक। और युद्ध होते थे नमक के लिए, मार काट हो जाती थी नमक के लिए, इतना महंगा होता था नमक। के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि बारिश हुआ और गल गया, रह गया। फिर समय बदला तो ये हुआ कि कोई ऐसी चीज लाई जाए मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, लेन देन के लिए, कि जिससे वो अस्थायी हो। तो सोना लाया गया। क्या लाया गया? सोना, गोल्ड को लाया गया कि जे अगर इतना गोल्ड देंगे हम आपको तो आप हमको इतना सामान हमें देंगे, लेन देन करेंगे, गोल्ड को लाया गया। अब चूंकि गोल्ड जब रहता था तो उसने तो भाई गोल्ड लेके आदमी जा रहा है रास्ते में, दो लोग कूद गए कि तलवार या हुआ करके उसको मांगता कट ले लिए, तो चोरी हो जाने का होता था, प्रॉब्लम होने का बहुत सारा चांसेस होता था। तो लोग और कोई तरीका निकाला जाए, तो यह किया गया कि जो मुनीम जी हुआ करते थे, चश्मा लगा के यूं करके बात करेंगे, ठीक है, मुनीम जी के पास गए, बोले भैया ऐसा है कि ये हमारा एक किलो आधा किलो सोना है, इसको रख लीजिए और इसके बदले में आप हमें गारंटी पेपर दे दीजिए, एक पेपर दे दीजिए, उसमें सिग्नेचर करके दे दीजिए कि हाँ इस पेपर की वैल्यू इतनी है, राइट। तो वो पेपर लेकर के लोग करने लगे, तो उससे वहां से बच गए लोग चोरी से, उससे क्यों उनके पास पेपर ही पेपर होता था, राइट। आपके नोट पे कुछ लिखा रहता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूँ, केवल उतना लिखने की वैल्यू है, बाकी महज वो क्या है, कागज का टुकड़ा है। अब उसमें हुआ क्या दोस्तों कि ये चलन चला, तब देश थोड़ा डेवलप हुए, तो जो अमेरिका में एक फैमिली है रॉकफेलर फैमिली, अमेरिका की फैमिली है रॉकफेलर फैमिली, राजसी लोग हैं, प्राइवेट संस्था है। इन्होंने दुनिया से कहा कि भाई ऐसा है, हम आपको करेंसी बढ़िया एडवांस करेंसी छाप के दे रहे हैं, डॉलर। क्या दे रहे हैं? डॉलर। डॉलर दे रहे हैं, आप जितना सोना हमें दोगे उस सोने के बदले में उतना डॉलर हम आपको छाप के देंगे। तो दुनिया से लोगों ने दिया, उनके पास सोना गया, बहुत सारा सोना दुबई ने इकट्ठा किया, सॉरी अमेरिका के जो रॉकफेलर फैमिली, अमेरिका ने इकट्ठा किया और डॉलर छाप छाप के लोगों को दिया। इससे पहले के लोगों के जहन में समझ में उसकी स्ट्रेटजी आती, उसका तरीका आता, तब तक वो बहुत सारा सोना इकट्ठा कर चुका था अमेरिका। एक्चुअल में वो लोगों को बोलता था कि जितना डॉलर हम देंगे उतना सोना भी हमारे पास है, लेकिन हकीकत ये नहीं होती थी, हकीकत ये नहीं होती थी। उसने बैंक खोले और बैंक के ऊपर जो रूल नियम डाले गए वो उसी के बनाए, रॉकफेलर फैमिली के बनाए हुए रूल नियम चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि पैसा एक जाल है आपके लिए, तो आपके लिए वो जाल बनाया गया है, आपके लिए जाल बनाया गया है। कुछ लोगों ने विरोध किया उसका, जैसे सद्दाम हुसैन, उसने अमेरिका से कहा भाई मेरे ऐसा है, हम तो ठीक है पहले तो मान गए, अब ये ऐसा करो ये डॉलर लो और हमारा सोना हमको दो। भाई उन्होंने कहा बाई बाय फैसिलिटी है, तो उन्होंने कहा ठीक भैया हमारा डॉलर लो हमको सोना दो। तो अमेरिका कहता है कौन सा सोना, किस सोने की बात कर रहे हो भैया, कोई सोना होना नहीं मिलेगा। और हुआ क्या सर, उसको जो है मरवा दिया गया। यानी जिस किसी ने भी दुनिया में रॉकफेलर फैमिली के खिलाफ आवाज उठाई उसको मरवा दिया गया, मार दिया गया, राइट। और उसी जाल में आज तक लोग फंसे हुए, उसी जाल में आज तक लोग बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक, ऐसे करके पब्लिक बैंक, यानी हम आप लोग पब्लिक बैंक यहाँ पे हैं, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है। ये रॉकफेलर फैमिली एक प्राइवेट संस्था है और कुछ नहीं है, इसी जाल में लोगों को पड़े हुए हैं। तो इस जाल को तोड़ने का जो साधन है, तोड़ने का जो काम है, वो हम लोग कर रहे हैं। क्या अभी भी इसी जाल में पड़े रहना चाहते हैं? रुपया कमाकर कितने लोग करोड़पति बन गए हमें बताइए। का हर अमीर आदमी जिसने भी आपके जेब से 1 रुपया 2 रुपया लिया है ना, उस पैसे को रुपया नहीं, उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, राइट, तब जाकर के वो अमीर बनते हैं। आप इस पैसे के सहारे, INR के सहारे अमीर अगर बनने का ख्वाब देख रहे हो तो अभी भी आप अंधेरे में हैं। हम लोगों के अकाउंट में बस काम भर का ही INR शायद पड़ा रहता है, अदरवाइज जैसे ही हमारे पास कैश आता है तुरंत वो करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है।
क्योंकि उसकी वैल्यू तो बढ़नी है, इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़नी है, इसकी तो घटनी है। पहले कभी होता था कि एक रुपए की वैल्यू जो होती थी अच्छी खासी होती थी डॉलर के मुकाबले, आज डॉलर के मुकाबले इसकी वैल्यू कम हो गई है, दिनों दिन इसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। और महंगाई वो अपना मुंह मुंह फाड़ करके खड़ी हुई है। आओ आपने 1,00,000 बैंक में डाल दिया, सोचे कि अगले साल ये जो है 1,20,000 बन जाएगा या 1,50,000 बन जाएगा, जो भी बने बन जाएगा, और पता लगा कि अगले साल जो 100 रुपए की चीज थी वो खुद ही 150 रुपए बिक रही, तो आपको मिला क्या? हमें मिला क्या? क्या मिला हमें? पापा जी का टुल्लू बहुत काम। एमएम प्रिज्म, क्योंकि एमएम प्रिज्म क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित एक सिस्टम है, आज का ट्रेंड है। आज का क्या है? ट्रेंड है, यानी फिएट करेंसी का ट्रेंड खत्म हो चुका है 99%। 1% बाकी है, कब 1% बाकी है, मतलब कि बस इंतजार करना कि नरेंद्र मोदी जो है नाइट में आए और बोले भाइयों एवं बहनों मुझे सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज रात 12 बजे के बाद जितनी भी नोट्स हैं वो सारी बंद हो जाएंगी। आपके मोबाइल में एक ऐप है उसको इंस्टॉल करिए, आपको हम डिजिटल करेंसी देंगे 1,000 2,000, उसका इस्तेमाल करिए। हर दुकान पे जाइए, सामान खरीदिए, मोबाइल से स्कैन करके उसी डिजिटल करेंसी से पेमेंट दीजिए और लीजिए। धन्यवाद। जिस दिन रात को वो दोस्तों बोल देंगे उसके बाद क्या होगा? और ये होने वाला है क्योंकि रिजर्व बैंक अपनी करेंसी बना करके लेके आने वाली है, ये होने वाला है। तो इससे पहले ये चीज आए क्यों ना हम इस नई टेक्नोलॉजी को सीख ले, जान ले। मैं लोगों को यही बोलता हूँ, आगाह करता हूँ कि आप यहाँ पर पैसा कितना बनाएंगे वो मैटर नहीं करता है, बट एटलीस्ट आप आने वाला हूँ मैं कि जो एमएम प्रिज्म है। थैंक यू सो मच। एमएम प्रिज्म, ट्रिपल एम प्रिज्म क्या है मैं आपको बताऊं या आप खुद सोचे, गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण है हमारा फिजूल खर्ची। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो शाम को अपनी डायरी उठा करके उसमें लिखते हैं कि आज हमने कितना खर्च किया है, कितने चाय पिए हैं, कितने गुटखा खाए हैं, कितने लोगों के साथ मस्ती किए हैं और कितना रिचार्ज कराए हैं, अपना और अपनी कभी। यूथ भी बैठे हैं भाई, तो यूथ को भी तो देना चाहिए ना, हंसते बोलते रहे हुए ना आप लोग, ठीक है ना। कितना खर्च किया आप सारे दिन, कभी इसका कोई ब्यौरा किया है? आप जितनी ब्यौरा करने लगेंगे ना दोस्तों, उस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, ओह माय गॉड इतना पैसा मेरा खर्च हो गया। अगर आप गणना करो 1 रुपए डेली दुगना करने का, 1 रुपए डेली का हर दिन उसको दुगना करते हुए आप चले जाओ तो करोड़ों रुपए ऐसे ही हो जाते हैं। तो एमएमएम क्या है? ये कम्युनिटी है। एमएमएम क्या है? ये एक ग्लोबल कम्युनिटी है। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया के लोग इसमें हैं, ग्लोबल कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब समुदाय, समाज, समूह, कुछ भी आप नाम दो, जैसे समूह गांव में चलते हैं, राइट। इस ये ग्लोबल कम्युनिटी ये बोलती है कि भाई हमारा फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं और कुछ पैसा बचा करके हम लोग कहां डालते हैं? बैंक में। आपका पैसा कहां जाता है? बैंक में जाता है, राइट। शेयर मार्केट किससे चल रहा है? बैंक से, मतलब हमारे आपके पैसे से। बैंक किससे चल रहा है? हमारे आपके पैसे से। फॉरेक्स मार्केट किससे चल रहा है? हमारे आपके पैसे से। अमीर लोग काम कैसे करते हैं? हमारे आपके पैसे से। हमारा आपका पैसा बाकी लोगों को अमीर बना दे रहा है, आप को नहीं बना रहा? यस और नो? हम बैंक में पैसा डालते हैं लेकिन बैंकर्स क्या कर रहे हैं? वो 4 पहिया गाड़ी से चलते हैं, इसी रूम में बैठे रहते हैं, इस घर में चले जाएं हम अपना पैसा निकलवाने तो बाहर खड़े रहो और मुंह बांध के रहो, थोड़ा सा सिग्नेचर करने में गड़बड़ा गया, कहीं तुम्हारा नहीं है दूसरा फार्म भर के लाओ। पैसा आपका, आयश कर रहे हैं आपके पैसे पर सारी चीजें, बट बदले में क्या मिल रहा है? हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। तो क्यों ना हम अपना एमएमएम बैंक बना ले, अपनी कम्युनिटी का समूह बना ले, अपना पैसा अपनी अमीरी में लगा ले, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में लगा ले। यस और नो? तो एमएमएम प्रिज्म क्या है? एमएमएम एक तरीके का ग्लोबल बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, हमारा आपका बैंक है।
वो क्या बोलते हैं, अपनी कंपनी, अपना अकाउंट, अपना मुनाफा, समझ रहे हैं आप? यू आर द ऑनर, आप ऑनर हो, जब चाहो तब निकालो, जब चाहो तब डालो, यू हैव द पावर, आपके पास पावर है, राइट? तो एमएमपी प्रिज्म क्या है, एक ग्लोबल कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के लोग करते क्या है, एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, रिपीट करें सर साथ में, क्या करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, क्या करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं एक दूसरे, कैसे करते हैं, जैसे गांव में समूह चलता है, जिसको जरूरत पड़ती है वो पैसा देता है और जिसके पास होता है वो देता है, पब्लिक के पैसे से ही तो चलता है ना, बीसी खेला जाता है, बीसी है ना, किसी और के पैसे थोड़े, पब्लिक का ही पैसा रहता है, आपस का ही समझौते का पैसा रहता है, उनके अपने कंडीशन रूल होते हैं, उस पर वो काम कर रहे होते हैं, राइट? इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या है, एमएम प्रिज में ग्लोबल कम्युनिटी समूह है, इसमें लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ते हैं, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होती है आपको, आप पास एक इतना बड़ा कंप्यूटर है, छोटा सा मोबाइल फोन, उसी से सब कुछ होना है, सब कुछ उसी से होना है। हाँ, ट्रेनिंग थोड़ी सी लेनी होगी, चूंकि जानकारी नहीं है तो उसके लिए चेतराम सर हैं या टॉप लीडर्स हैं, राइट, रायबरेली ऑफिस से अपना फॉर्म विजिट कर सकते हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ सब कुछ पहले से ही मौजूद है, बना के डाला हुआ सारा कि कैसे क्या करना, किस तरीके से करना। तो ग्लोबल कम्युनिटी क्या करती है, एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करती है, दो काम यहाँ पर करती है, पहला काम भैया पहले आप मदद करेंगे तभी ना तो मदद लेंगे, हाँ, हम आपको प्यार देंगे नहीं और कहते हमको प्यार दो, नहीं मिलेगा ना सर, है ना, दोनों तरफ से इक्विवेलेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहला काम होता है दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड हेल्प, क्या करना होता है, प्रोवाइड हेल्प यानी मदद देना, ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है, गेट हेल्प, मदद लेना, दो ही काम यहाँ पर होते हैं, प्रोवाइड हेल्प, मदद करना, किस चीज से मदद करना है, आप अपने फिजूल खर्ची के पैसे से, हेलो, मैंने आपको बताया कि यह कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यह कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई माई बाप ऑनर नहीं होता है, ये अपने आप में एक महाशक्ति है, टेक्नोलॉजी है, आज का दौर है, जमाना है, ये आज का दौर है, जमाना है, ये इस दौर और जमाने में आपको करोड़पति, अरबपति या किसी का भी पति बनने के लिए सिस्टम दिया जाता है। भाई खर्च तो भैया आप वैसे भी कर रहे हैं, है ना, चार दोस्तों के साथ बैठकर 50 रुपए का चाय पानी तो आप वैसे भी कर रहे हैं। मान लीजिए 1 तारीख को आपने मदद कर दी यहां पर 1000 प्रिज्म की, 1000 प्रिज्म से आपने मदद कर दी 1 तारीख को, ठीक है, प्रिज्म क्या है इस पर मैं आ रहा हूं, 1000 प्रिज्म से आपने यहां पर मदद कर दी 1 तारीख को, 30 तारीख को आपका गेट हेल्प रेडी हो जाएगा, 30 तारीख को आपको इसको निकाल ही लेना है, कितना है अपना मूलधन प्लस यहां पर आपको मिलता है 30% का ग्रोथ, 1% डेली आपको मिलेगा, हेलो, जितने से आप यहाँ मदद करते हो, 1000 से आपने मदद किया उसका 1% डेली आपको मिलेगा, महीने में 30% ग्रोथ के साथ आपको मिलेगा, यानी 1000 ये और 300 ये मिलाकर 30%, 1300 प्रिज्म आपका रेडी हो गया, जिसको आपको लेना है, इसको आपको लेना है। अब आप सोचेंगे सर अगर मदद करने वाला ही काम है तो ये ग्रोथ रोथ के क्या मतलब है, ऐसे ही मदद करें ना, तो मैं आपको बता दूं कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, राइट? जब तक कहीं ना कहीं कुछ लाभ नहीं दिखेगा, कोई अभी यहाँ पर ये चीजें नहीं होती तो मैं कहाँ आगे इतना बोल पाता, रूखा सूखा काम नहीं चलता, पहले कुछ होना चाहिए अपन के पास, राइट? तो दोस्तों इस कम्युनिटी में जितने अमाउंट से आप मदद करते हैं उसका 30% का रिटर्न आपको मंथली मिलता है, हर महीने जितना आपने डाला उतना आपको निकाल भी लेना है, और एक फसल जैसे आपने 1000 से यहाँ पर प्रेम से मदद कर दिया, 30 तारीख के बनकर रेडी हो गया, यानी आपकी ये एक फसल क्या हो गई, तैयार हो गई है काटने के लिए, बट इस फसल को काटने से पहले आपको दूसरी फसल लगानी है, क्योंकि अपने लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो लंबे समय तक कम्युनिटी के साथ काम करे, हिट एंड रन वाले लोग नहीं चाहिए,
कि आए और किया उसके बाद भाग गए, राइट। तो यहां पर सिस्टम बनाया गया, रिकमिटमेंट का सिस्टम इसीलिए बनाया गया कि यहां पर जो कम्युनिटी में लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, एक जब उनका एक फसा पक के तैयार होगा, 1300 उनको निकालना है, बट इसको निकालने से पहले रिकमिटमेंट करेंगे। क्या रिकमिटमेंट करेंगे? फिर से 1000 का या उससे ज्यादा का, कम नहीं कर सकते हो, जितना आप यहां पर एक बार मदद कर दोगे उतना बार बार करना होगा आपका। 1000 प्रिज्म का या उससे ज्यादा का आप यहां पर फिर से पीएच करोगे, 50% की लिंक आएगी, इस 50% का जब आप पेमेंट डाल देंगे, जैसे ही आप यहां पर 500 पेमेंट डाले, उसके 2 मिनट के बाद आप अपना 1300 प्रिज्म अपने वॉलेट पर ले लेते हैं, डिजिटल वॉलेट पे। किस पे ले लेते हैं? डिजिटल वॉलेट पे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों इस तरीके से यहां पर होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो विन विन सिचुएशन पर काम करती है। यहां आप भी जीतते हो और सामने वाला भी जीतता है। घर बैठ करके चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे कर्फ्यू लग जाए, चाहे कुछ भी हो जावे, बट आपके घर में पैसा आएगा। जितनी भी चीजें हैं, मैंने पिछले लॉकडाउन, जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे मैं सिस्टम पे काम कर रहा था, ऊंचा हाल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर्स वगैरह हैं फ्रंट सर्किल में, उन्हीं के प्रोसाइड टीम में बैठा रहता था और बैठ करके बस मोबाइल फोन पे कुछ ना कुछ अपना सॉरी बनाता, कितना हूँ बनाता तो नहीं हूँ, ठीक है, कितना बनाता हूँ तो मुझे लग रहा होगा कि मैं आप में से किसी से कह दूँ, सर सीएन सर कितना आता होगा मेरा? मिनिमम 45,000 प्रिज्म आता है। और चेतराम सर इसके लिए मैं करता क्या हूँ? क्यों कुलदीप सर रुपए कमाने के लिए पता नहीं कितना पसीना कहां से निकलता है, कहां तक जाता होगा, यस और नो? लेकिन हम लोग यहां कमा क्या रहे हैं? हम लोग यहां पर कमा रहे हैं प्रिज्म पॉइंट। क्या कमा रहे हैं? प्रिज्म पॉइंट। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रिज्म पॉइंट है क्या, जानना चाहते हैं? यस सर। नो जानना चाहेंगे प्रिज्म पॉइंट क्या है, राइट? यहां पर हम लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आकर के बात किया तो सुना ही सभी लोगों ने, राइट। और मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल पहले मुझे भी नहीं पता था बिटकॉइन क्या होती है, डिजिटल करेंसी क्या होती है। जब कभी नाम आए देख ले होगा, होगा कुछ ना, जब शुरुआती भी आए थे 2009 कर ली, हाँ, तो पहले से जानकारी, मेरे से पहले जानकारी आपको, ठीक है। 2 साल पहले मुझे भी नहीं पता था बिटकॉइन है क्या। दोस्तों करेंसी 2 तरीके की होती है, एक आपकी होती है फिएट करेंसी, जैसे हम किसी देश की करेंसी उसकी, ठीक है, नोट, ये जो इसको फिएट करेंसी इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरी होती है लेटेस्ट, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काम करे इसको बोलते हैं डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी वो करेंसी होती है जिसको आप देख तो सकते हो कि हाँ ये इतने नंबर में है, ठीक है, छू नहीं सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो कि हाँ ये है, लेकिन आप उसको ढूंढते रहोगे। जैसे हम कहेंगे सिक्का है, बिटकॉइन क्या है? सिक्का है, वही सर दिखाइए, देख नहीं सकते उसको, इनविजिबल है, राइट। वो सॉफ्टवेयर, कोडिंग सॉफ्टवेयर होता है उसका, केवल आप महसूस कर सकते हो, मान सकते हो कि हाँ ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। अच्छा जैसे आप लोग क्या करते हो, बैंक गए, ठीक है, बैंक में जाकर के आपने पैसा जमा किया और बैंक वाले उसको दिया कॉपी, उसने प्रिंट आउट करके दे दिया, तो आप ऐसे करके उसमें देखते हो ना कितना है, इतना है, नोट तो नहीं हो तो कागज है जो आपको, तो आप पास है पासबुक, रुपया तो नहीं है ना, लेकिन उसका मान लेते हो कि हाँ हमारा इतना है उनके पास। और बैंक वाला बड़ा होशियार है, वो अपने पास आपको पैसा रखता ही नहीं, वो पैसा उठा करके किसी को लोन दे देता है बैंक में। 25% लोग अभी बैंक चले जाए और कहते भैया मेरा पूरा पैसा चाहिए, तो है ही नहीं, ऐसे ही नहीं रहता है, नहीं कैश नहीं, वेट करो, इंतजार करो, आ जाए तो तुम, यस और नो? ये कंडीशन हो चुकी है बैंकों की। तो बिटकॉइन जो है, जब 2009 में, जैसा सर ने बताया कि शुरू में ही आया था, हम जानते हैं 2009 में बिटकॉइन आया था ट्रांजेक्शन के लिए, एक मतलब दौर होता है ना, शुरुआत होती है इसी चीज की। उस समय जो उसकी कीमत हुआ करती थी 35 पैसे 30 पैसे 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, और लोग कहा करते थे भाई ये करेंसी है, इसको खरीद लो, इसका भविष्य अच्छा होगा, ट्रेंड आने वाला है, डिजिटल युग आने वाला है, डिजिटल इंडिया हो चुकी है 90%, 1% बाकी है, ठीक है, अब डिजिटल दुनिया हो रही है, सब कुछ बदल चुका है, यहाँ तो सब बोलने से हो जाता है, अरे अरे सोचने से भी हो जाता है, कौन सा गाना मोबाइल में बजेगा, मन में सोच लो, बजने लग जाता है, यस और नो? टेक्नोलॉजी ले लो,
तो उस ट्रेंड को जिसने साथियों पहचाना था, पकड़ा था, जिन्होंने उस ट्रेंड पर पैसा लगाया, वो मिलेनियर बने, वो मिलेनियर बने। क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पीयर टू पीयर पब्लिक लेजर होता है। पीयर टू पीयर, मैं एक्सप्लेन करता हूं, भी आपको परेशान मत होइएगा। पब्लिक लेजर होता है, बही खाता जानते हैं आप लोग? हम लोग जब कुछ लेन देन करते हैं किसी से, जो भी लेन देन करते हैं, तो उस लेन देन में हम लिखते हैं अपने, उस पर लेजर बनाते हैं ना बही खाता। तो एक वो होगा मैनुअल बही खाता और यह लेजर हो गया डिजिटल बही खाता, ठीक है ना? कंप्यूटर पर यह दर्ज होता है, कंप्यूटर पर दर्ज कर दिया तो डिजिटल लेजर, किताब में लिख दिया तो मैनुअल, ठीक है ना? बही खाता हो गया आपका। और पीयर टू पीयर का मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि इस पर, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क पर जितना भी लेन देन होता है वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है हर एक व्यक्ति के अकाउंट पे। झूठ नहीं बोल सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते। आप मेरी कम्युनिटी में जुटते हैं और आप चुप्पे से चाहे पहले कमरे में, चाहे सबसे अंदर वाली कोठरी में जाकर के एक पॉइंट ट्रांसफर कर दीजिए किसी को और कह दीजिए कोई जान नहीं पाएगा, तो ऐसा नहीं है। पूरी कम्युनिटी के पास उसका डिटेल रहता है, बस अब उसके पास आपका एड्रेस हो, भाई बिना पता भी कैसे पाएगा कहाँ का है ना, एड्रेस हो आपका। तो दोस्तों इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर पब्लिक लेजर, यानी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होती, सब कुछ खुला होता है कि इस कम्युनिटी में कितने लोग हैं, कितना इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, कितने बज के कितने मिनट से शुरू हुआ है, कितने दिन तक चला है और कितना चलेगा, सारी चीजें हमारे सामने होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, राइट? और ये दोस्तों इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, इसकी जन्म कुंडली लिखी जा चुकी है। इम्यूटेबल मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल, मतलब चेंज नहीं हो सकता दोस्तों। इसका जो व्हाइट पेपर होता है उसमें जो रूल लिखा जा चुका है, ए होगा तो बी होगा, बी होगा तो सी होगा, जो सेट कर दिया गया वही चलेगा, इसमें चेंजमेंट नहीं हो सकता है। मैं क्यों इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ? अभी तक आप लोग, हम लोग जहाँ कहीं भी काम किए, किसी ऐसे सिस्टम पे काम किए जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में होता था, चाहे वो निवेश सेक्टर की कंपनी हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, चाहे वो कुछ लोगों की कंपनी हो। इन रिजल्ट माइनस मिला है, यस ऑर नो? या तो ऑनर ने खुद प्लान कर रखा है, भैया ठीक है 100 रुपया डेली, 20 रुपया डेली आने वाला प्लान बनाओ, इतने लोगों तक ले आओ, इतने लेवल तक दो, इसके बाद 1 करोड़ लो, निकल लो। या ऑनर खुद ही चाह रहा हो चलाना, लेकिन गवर्नमेंट ईडी की नोटिस आ गई, उसको बंद करना ही पड़ेगा, यस और नो? है ना, दोनों मामले बंद हो जाता है। तो उस सिस्टम को हम लोग छोड़ करके इस सिस्टम पे आ जाएंगे कि दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। गवर्नमेंट भी चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकती है, हालांकि अब तो मजबूरी बन गई गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट खुद ही जो है अपनी करेंसी लेकर के आ रही है, राइट? तो दोस्तों जिस तरीके आपकी बिटकॉइन है उसी तरीके आपकी प्रिज्म कॉइन है। कौन सी कॉइन है? प्रिज्म कॉइन। थोड़ा तेज बोले, कौन सी कॉइन है? प्रिज्म कॉइन। प्रिज्म कॉइन या प्रिज्म कॉइन कुछ भी आती है, प्रिज्म कॉइन। मानते हैं कि बिटकॉइन जब आया नया नया था तो हमें जानकारी नहीं थी, हमें बताने वाले नहीं थे कि काचू के साथ ही रहा बलवाना, उस टाइम पर नहीं थे माना, ठीक है ना? लेकिन आज तो जानकारी है हमें, आज तो हमें बताया जा रहा है। आज प्रिज्म का जो रेट है वर्तमान में 2 रुपए का प्रिज्म है आपका, पी टू पी पे, पीयर टू पीयर सपोर्ट पे, इस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे, ठीक है? 2 रुपए में आज आपको प्रिज्म मिल रहा है, 2017 में इसकी कितनी वैल्यू थी? 200 रुपए का एक क्वाइन। एक जादू बताऊं मैं आपको? आपका पर्स जो है उसमें आप 1000 रुपए रख लीजिए, 500 की नोट रख लीजिए, ठीक है ना? और उसको रखे रहिए, सारा दिन रखिए, सुबह उठिए और पर्स खोलिए, आपने 3 रोड कल रखे थे वो 4 हो जाएंगे क्या? नहीं, नहीं। यहां पर हो जाता है, ताली बजाओ। आपने
होंगे तो 1005 पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी है, आपके मोबाइल को पैसा छापने की मशीन बना देती है टेक्नोलॉजी। तो 2017 में जब ये क्वाइन आया, दुनिया ने इसकी टेक्नोलॉजी को देखा तो लोगों को लगा कि यार बहुत अच्छी करेंसी, लगाओ पैसा। खूब लोगों ने खरीदा, इतना खरीदा कि क्वाइन का जनरेशन बहुत ज्यादा हो गया। सप्लाई और डिमांड का फार्मूला तो बढ़िया जानते ही आप लोग कि भैया बाजार में टमाटर अगर कम आया है तो ये दुकान है तो महंगा भी कम, और 10 दुकान आ गई तो सस्ता हो गया। उसी तरीके ये क्वाइन जो 200 रुपए तक जिसका रेट था 2017 में, इसका रेट क्या हुआ, डाउन हुआ। 100 रुपए हुआ, 120 रुपए हुआ, ठीक है, 40 रुपए हुआ, 50 रुपए हुआ, और इस साल जिसका रेट पा करके 2 रुपए के ऊपर जो है टिका हुआ है। तो क्या ये आज हमारे लिए मौका नहीं है? ये जो करेंसी है इसकी टोटल 600 यानी 600 बिलियन जो है इसका वो होना था जनरेशन, जिसका 50% जनरेशन हो चुका है, 50% बाकी धीरे धीरे होता रहेगा। पर मैं आपको बता दूं इस साल के अंदर एक क्वाइन का रेट 70 रुपए होगा। ताली बजा लो, डिसीजन ले लो, समझ लो इसको, देख लो मौका आपके लिए इस क्वाइन का। यहां पर दो तरीके से आप काम कर सकते हो। पहला तरीका MMM प्रिज्म, 1000-2000 लिया, 30% ग्रोथ लेके प्रिज्म कमाना है, ठीक है। दूसरा तरीका, आपने खुद ही जो है प्रिज्म खरीद लिया, 50,000 का ले लिया, 50,000 का ले करके आप उसे अपने वॉलेट पे रख लिए, जिसका आईडी और पासवर्ड आपके पास है, ठीक है, और रख लिया। जैसे आप लोग FD वगैरह कराते हैं उसी तरीके आपने अपने अकाउंट पे रख लिया, आपने कुछ अलग नहीं किया, बैंक के अकाउंट का पैसा उठाया और सीधे अपने अकाउंट पे रख लिया, किस पे, डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर लिया, जो हर अमीर आदमी करता है, ठीक है ना, उसको रख लिया, और जब अच्छा खासा रेट गया बेच करके अपना INR बांट अपने अकाउंट में ले लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कराते, यहाँ 2000-2000 से ही चलना है, सिस्टम जो बोलेगा वही तो अपने को करना है। हाँ, अगर उस तरीके के हम लोग लीडर होते कि अपनी जेब भरना सोचना है तो कह देते भैया 1,00,000 डालो, हमको तो 6% का ही जाएगा। यस और नो? नहीं, हम लोग सही तरीके से काम करना है। तो दो तरीके हैं, आप अगर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आ सकते हैं तो वैलेट बनाइए, इसमें रख लीजिए अपना। अगर आपने 1,00,000 पॉइंट रखा हुआ है तो डेली 50 पॉइंट बनेगा भी तो यहाँ पे आपका, पैरामाइनिंग टेक्नोलॉजी से ग्रोथ करके वो भी बनता रहेगा। यानी 2,00,000, अगर आपने 1,00,000 यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, यानी 1,00,000 के लिए आपने कितना 2,00,000 रुपए खर्च किए, यस और नो? 2,00,000 आपने खर्च किए, 1,00,000 पॉइंट आपको मिल गए, और दिसंबर में मान लीजिए कौन सा मंथ चल रहा है आपका, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, मान लेते हैं कि 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ में आपके 1,00,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको आप 70 से गुणा कर, 70 को छोड़िए साहब, 25 रुपए मान लीजिए आप गुणा करिए, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो बताइए ना, 25,00,000 बना नहीं, आपका 1,00,000 कितना बन गया, 25,00,000, सॉरी 2,00,000 आपका कितना बन गया, 25,00,000 बन गया। और ये मैं बहुत कम से कम जोड़ के बता रहा हूं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। 35 पैसे का बिटकॉइन अगर 45,00,000 में बिक सकता है, हेलो, 35 पैसे का बिटकॉइन अगर 45,00,000 में बिक सकता है तो इसके ये तो बिटकॉइन से भी मजबूत कॉइन है, ये तो ऑटोमेटिक पैसा बनाने वाली मशीन है। यहां क्या हो सकता है, यहां बहुत कुछ हो सकता है, वर्ल्ड वाइड काम चल रहा है, रसिया के में बहुत सारे के, अगर मैं बाजार की बात करूं इसके बारे में कि प्रिज्म कॉइन कहां कहां खरीद सकते हो आप, 20 एक्टिव मार्केट हैं जहां पर इसका करोड़ों में ट्रेडिंग होती है, करोड़ों में ट्रेडिंग होती है, ठीक है, लोग लेन देन करते हैं, आपको कहीं भागने और उठने की जरूरत नहीं है कि यार हमें करेंसी ले तो लिए, लेकिन का करप का, चाहे 150 रुपया हो जाए, चाहे 500 रुपया हो जाए, आपको ABC पता ही नहीं है, करप का लेगा, यस और नो, आएगा सवाल कि नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसा हमने यहाँ पर लिखा ना P2P, यहाँ आपको सपोर्ट देंगे, आपने क्वाइन लिया, वैलेट बनाया या इसमें आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपको ट्रेनिंग देंगे, जो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, 1 हफ्ते में आपको सारा कुछ सिखा देंगे कि किस मार्केट पे अकाउंट कैसे बनाना है, बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, क्या क्या सिस्टम है, करेंसीज क्या क्या होती है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी जिसकी कीमत होती है लगभग 25,000 रुपए होती है। हेलो, कितनी, 25,000 तैयार है देने के लिए, ये सुनो, कितने लोग देने को तैयार, 25,000 रुपए लगेंगे, हाँ जी,
ठीक है ना, 25,000 रुपए इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है, जिस ट्रेडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट वाली ट्रेडिंग नहीं है, वो ट्रेडिंग है ना, इसको लेने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी पैसे को लेकर टेंशन में नहीं आएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। ताली होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया राइट, उसका आपको लाभ मिला। अब मैं P2P के बारे में यहाँ पर बात कर रहा था कि 1,00,000 या 50,000 या 10,000 जो भी कॉइन आपने लिया, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर 1,00,000 ट्रेजरी कॉइन लिया, तो यहाँ पर पहला फायदा तो आपका ही हो गया कि ट्रेडिंग हम आपको देंगे, ठीक है। दूसरा फायदा क्या हो गया कि 5% का आपको इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा। 1,00,000 का 5% कितना हो गया? 5,000। 5,000 कॉइन और आपको मिलेगा, यानी 1,05,000 कॉइन आपको मिले, ठीक है, P2P पे, ठीक है। 1,05,000 कॉइन आपको यहाँ मिला। इसके अलावा जब प्रिज्म कॉइन का रेट 40 से 50 रुपए के बीच में आएगा, 40 से 50 रुपए के बीच में जब इसका रेट आएगा, उस टाइम पर हम अपने जो ग्राहक है, जो इन्वेस्टर है, उनको 25,000 से 50,000 रुपए का कोई ना कोई गिफ्ट देंगे। अगर आप गौर करें यहाँ पर देखें तो हम आपकी मदद करने आए हुए, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ कि मैं, हम लोग यहाँ पर क्या करने आए, आपकी मदद करने आए हुए। अब डिसीजन आपका है कि आप ऐसे हाथ करते हैं कि ऐसे हाथ करते हैं, चॉइस इज योर्स, है ना। बट तो रहा ही है, लेकिन हम उसको ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर और भी बहुत सारे, हाँ बिल्कुल करते हैं राइट, कभी कभी शीशा भी टूटता होगा, उसका मेंटेनेंस भी कराते होगे, हाँ बिल्कुल करते हैं। कितना कमाते हो मोबाइल से? कितना कमाते हो? कहेगा यार ये कौन सी बात कर रहे हो आप, कहेगा कि नहीं कहेगा? अरे भैया मोबाइल से कमाया जाता है तुमको पता ही नहीं है क्या? मैं तो कमाता हूँ, आपने अपना अकाउंट खोला उसी के सामने दिखाया, देखो इतने इतने प्रिज्म कॉइन मेरे पास है। प्रिज्म क्या होता है? अरे डिजिटल करेंसी है भाई, ये क्या होता है यार? चुप्पी है, औकात मियां कहां से कहां पहुंच गई तुमको, यही पता नहीं है क्या? ये बिटकॉइन का नाम सुना है? नहीं यार नहीं सुना। अरे यार बेकार वो कहेगा बताओ भाई, अरे यार तुम्हें बस के नहीं, चलो साइकोलॉजिकल बात में कर रहा हूँ, मतलब इस तरीके व्यवहारिक बात करोगे तो आप ये समझेगा, ठीक है। और अगर क्या बता लगे यार भैया बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा सिस्टम, उसको देखा जो आपने, आपको दिख नहीं रहा अभी बाहर दुनिया में, उसको आपने देखा और उसको पाने के लिए कुल 20 अच्छे आदमी को आपको चाहिए। कितने चाहिए? 20। ढूंढ सकते हैं हम लोग? नहीं ढूंढ सकते। 20 अच्छे आदमी को ढूंढना है अपने को, है ना, जो कंधे पर हाथ देकर भाई वाले लोगों की बात में कर रहा हूँ। पहले लोग नेटवर्कर कहते थे कि अपने लोग नहीं जुड़ेंगे, इसमें अपने लोग ही पहले आएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर अपने लोग ही पहले आएंगे। आपको करना क्या है, आपने 20 डायरेक्ट लगा दिया, आते ही अपने 20 अच्छे लोगों को साथ में लिया, डायरेक्ट लगा दिया, और लगाने के बाद इन्हीं के साथ आपने इनको टीचिंग ट्रेनिंग कराना, जिस ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा था। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराओ, सारा दिन बीतने ना पाए, शाम को अगर आप अपने अप्लाइंस उसकी बात करा लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और अगर आपने कहा कि हम ही सब हैंडल कर लेंगे, हम ही सारा देख लेंगे, तो फिर वो बंदा बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। उसको तुरंत अपने अप्लाइंस से आप बात कराइए, जूम मीटिंग कराइए, मुलाकात करा दीजिए, जितनी जल्दी हो जाए मुलाकात करा दीजिए, तो क्या होगा, मजबूती आएगा दोस्तों। ये 20 लोग आपको करोड़पति बना सकते हैं। ऐसा मैंने यहाँ पर कहा कि 1,00,000 कॉइन लेकर के रख लो, या 2,00,000 सबके पास है क्या लगाने के लिए, लेकिन 1,000-2,000 है लोगों के पास, तो 1,000-2,000 लगा करके 20 लोगों के से अच्छी दोस्ती करके आपको करोड़ों रुपए आने वाले हैं। मैं जोड़ करके बता देता हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से। 20 डायरेक्ट आपने लगाया, सबने अगर 1,000 से पीएच किया हुआ है तो 20,000 प्रिज्म का बिजनेस गया, यस और नो? हाँ, 20,000 प्रिज्म का बिजनेस आपका गया। इसका 6% निकाल लेते हैं, 6% कितना आ गया? 1,200 प्रिज्म आपने कमा लिया। कितनी बार आएगा ये 1,200? बार बार आएगा। और ये कौन सी कॉइन हम कमा रहे हैं जिसकी कीमत भविष्य में हजारों लाखों करोड़ों होने वाली, ठीक है ना? अरे चलो हजारों में नहीं जाते हैं,
सौ में ही रहते हैं, सैकड़ों में भी रहते हैं, है? अच्छा इस पॉइंट के लिए आपने कुछ पैसा लगाया था? नहीं ना, इसके को लगा नहीं, आपने जो लगाया उसका तो 30% आपको मिल ही रहा है, आप 1000 रुपये डाले तो उसका 30% यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये आपका क्या नेटवर्किंग कमाई होगी, राइट? अब ये जो 20 लोग आए, इनको इनके साथ ही सेमिनार किया, वेबिनार किया, प्रोग्राम किया, टीचिंग ट्रेनिंग किया, इनका भी सपना है यार बड़ा करे, तो ये भी आगे 20-20 लोगों को लाएंगे, यस और नो? यस। मैं कह रहा हूँ चलो 20-20 नहीं लाए, कोई 5 लाया, कोई 2 लाया, कोई 1 लाया, ऑन एवरेज केवल 5 का ले लेते हैं, 5 लोग अगर आ गए, यानी सेकंड लेवल, ठीक है ना, ये कौन सा लेवल हो गया आपका, सेकंड लेवल, पहले लेवल पे 6% मिलता है, सेकंड लेवल पे 5% का मिलता है, राइट? तो 5-5 लोग आ गए तो यहाँ पर कितने लोग हो गए, 100 आईडी हो गए, ही नहीं हो गए नीचे, और ये सब लोग ऑन एवरेज से अगर 1000 से ही करेंगे, और इतनी अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कि आदमी 1000 से करेगा, कोई 5000 करेगा, कोई 6000 करेगा, कोई 10000 करेगा, ठीक है, 3000 महीने का चाहिए तो 10000 डालेगा आदमी, तो 100 आईडी आपकी हो गई है, तो आपका टोटल बिजनेस 1 लाख का गया, 1 लाख का बिजनेस गया प्रिज्म, कितना मिलेगा इसका 5%? 5000। हाँ जी 5000। 5000 प्रिज्म आपको यहाँ पर यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, बार बार। कितनी बार मिलेगा? बार बार, बार बार मिलेगा, राइट? और ये जो 100 लोग यहाँ पर आए हुए थे, इन 100 लोगों ने क्या किया, मैं थर्ड लेवल की अगर बात कर लू, यहाँ पर ये 100 लोग जो है अपने साथ में 5-5 का ही गणना कर देता हूँ तो आसान रहेगा, 5-5 लोगों को अगर ये लोग यहाँ पर ले आए थर्ड लेवल पे, कितने लोग हो जाएंगे, 500 लोग, 500 आईडी यहाँ पर हो जाती है आपकी, 1-1000 से भी लोग यहाँ पर काम करते हैं प्रिज्म से, तो कितना हो गया, 5 लाख का बिजनेस गया, 5 लाख का 3% आपको मिलेगा, 15000 कॉइन आया, टोटल पॉइंट कितने आपके हो गए, पहले लेवल से कितना आया आ रहा था आपका 1200, दूसरे लेवल से कितना आ रहा था 5000, तीसरे लेवल से कितना आ रहा है 15000, तीन लेवल लिया आपने, यस सर, टोटल कर लिया जाए 21200, 0000 21200, हाँ जी 21200 जो मिलता है वो अलग, उसका कोनो जोड़े नहीं यहाँ पे, मान सम्मान जो मिलता है वो अलग, ठीक है ना, यहाँ पर मैं बिल्कुल अंदर की बात कर रहा हूँ, 21200 प्रिज्म कॉइन आप बना रहे हो, कमा रहे हो यहाँ पर हर महीने बार बार आपको आ रहा है, अगर इसका कैलकुलेशन मैं कर दूं भाई, जिन लोग मार्च को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कि मार्च में आपने ज्वाइनिंग ली, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, केवल 6 महीने जोड़ लेते हैं, 6 महीने का टाइम लिया, हालांकि हर अच्छी चीज के लिए 9 महीने लगता है, हर अच्छी चीज के लिए 9 महीने लग ही जाता है, ठीक है, हर अच्छी चीज के लिए उतना टाइम लगता है डेवलपमेंट के लिए, तो अगर इस क्वेश्चन हम 6 महीने का इंटू कर दें कि 6 महीने में कितना आपने पॉइंट कमा लिया, तो 0 0 6 दूनी कितना हो गया, 12 की 2 हो गया 7 7 7 होगा ना, यस सर 14, यहाँ क्या होगा 12, टोटल पॉइंट कितना आपने कमा लिया 1,27,200, 1 0 कम पा रहा है, 1,27,200 ये सही लिखा है, यस सर सही लिखा है, सही लिखा है सर, ठीक है चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, ओके, तो 1,27,200 9 महीने में क्या पैदा कर दिया, और 9 महीने के पहले ही निकाल दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, 1,27,200 पॉइंट आपने 6 महीने में लिया, यस और नो, आया कि नहीं आया, और अगर इस प्रिज्म की कीमत भैया 10 रुपया भी हो गई, छोड़िए 25-50 रुपए जो कि होगा, पहले था इतिहास अपने आप को दोहराता है, 2017 में 200 का था, ठीक है, पिछले साल भी ये 40-45-50 रुपए में था, तो फिर से ये इतिहास रिपीट करेगा, 10 रुपए भी हो गया तो कितना कमा लिया आपने, 12,72,000 पर मंथ, 12,72,000 पर मंथ, पर मंथ सोचिए,
तो अभी ये मौका अपने लॉन्ग लिव एमएम प्रिंस 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 लॉन्ग लिव एमएम प्रिंस